दोस्तों, कैपकट एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए। आप में से ज़्यादातर लोग कैपकट को मोबाइल में यूज़ करते होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको कैपकट पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो बताऊंगा। दोस्तों, जिन्होंने पहले से ही अपने कंप्यूटर में कैपकट को इंस्टॉल किया है, वहाँ पे वो इफ़ेक्ट वगैरह तो एक्सेस कर पाते होंगे, बट जैसे ही वो ट्रांजिशन में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक प्रॉब्लम फेस होती है, नेटवर्क एरर। तो आप उसे भी कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में कैपकट नहीं है, तो इसे कैसे डाउनलोड करना है पहले हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये कैपकट का सेटअप है, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, बट अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आपको सर्च करना पड़ेगा हमारा चैनल साइबर ड्रॉइड। दोस्तों, आपको फर्स्ट में ही हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे जाएगा। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको कैपकट की exe फाइल दिखाई दे जाएगी। अगर आपको ये फाइल नहीं मिलती तो आप ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर इस फाइल को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरीके से कैपकट की फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों, ये तो हो गई डाउनलोड करने की प्रोसेस, लेकिन अगर इसके बाद आप जब कैपकट को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस तरह का नेटवर्क एरर आ रहा है, तो आप अपने कैपकट को सबसे पहले क्लोज कीजिए और आपका जो भी पुराना वर्जन है आप उसे अनइंस्टॉल कीजिए। आप सिंपली कंट्रोल पैनल में जाइए। इसके बाद हो सकता है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले। अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलता या फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले, तो आप यहाँ पे व्यू बाय में कैटेगरी वाइज को चेंज करके लार्ज आइकॉन कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आइए और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है प्रोग्राम एंड फीचर्स। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपका जो कैपकट का पुराना वर्जन है आप इसे हटा दीजिए, हम इसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कैपकट अनइंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, आपको कैपकट का ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, अब हम कैपकट के सेटअप को रन करेंगे। इसके बाद अब कैपकट ज़रूरी कंपोनेंट को इंस्टॉल करेगा, तो मेक श्योर करें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हों। अब इसके बाद कैपकट लॉन्च हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैपकट को लॉन्च नहीं करना है, आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब हम चलेंगे क्रोम में और अब आपको यहाँ से एक VPN को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्रोम पर सर्च करें प्लैनेट VPN। अब दोस्तों, प्लैनेट VPN को सर्च करने पर आपको ये जो पहला लिंक मिलेगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। डाउनलोड VPN पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये एक फ्री VPN है, इसमें आप 5 कंट्री का VPN यूज़ करने का एक्सेस फ्री में ले सकते हैं। अब हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये विंडोज़ के लिए VPN डाउनलोड हो जाएगा। बट मैंने इसे ऑलरेडी अभी डाउनलोड करके रखा है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर लिया है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे लॉन्च करता हूँ। अगर दोस्तों VPN इस शॉर्टकट से ओपन नहीं होता तो आप यहाँ पे इसे सिस्टम ट्रे से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इस आइकॉन ट्रे पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्लैनेट VPN का आइकॉन दिख जाएगा। आप इस पर 2 या 3 बार क्लिक कीजिए तो वो लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सिस्टम ट्रे से मैंने इसे एक्सेस कर लिया है और इस VPN का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कैपकट में ट्रांजिशंस वाले टैब में नेटवर्क एरर देखने को ना मिले। मैं यहाँ से US कंट्री को सिलेक्ट करके कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, तो आप ओपन नाउ पे क्लिक कीजिए और अब आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम अगेन इसे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, तो अब यहाँ पे ये VPN कनेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों, इसके फ्री वर्जन में हो सकता है आपको एक बार ऐड देखने को मिल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं कनेक्ट टू VPN। अभी हम इसे मिनिमाइज करेंगे और इसके बाद दोस्तों, अब हमें कैपकट को ओपन करना है। अब हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रांजिशंस में, तो आप देखेंगे ये ट्रांजिशंस लोड हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशंस लोड हो जाएं, तो आपको VPN को डिसकनेक्ट कर देना है। जब तक ये ट्रांजिशंस लोड ना हो पाए, तब तक ही आपको VPN को कनेक्ट करना है। अब आप विदाउट VPN के ट्रांजिशंस को यूज़ कर पाएंगे। अब ये सारे ट्रांजिशंस
आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ट्रांजिशंस के लिए फर्स्ट टाइम वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप जब भी कैपकट ओपन करें उससे पहले वीपीएन को कनेक्ट करें, जब ट्रांजिशंस लोड हो जाए तो आप वीपीएन को क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहां से ट्रांजिशंस यूज़ कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।